friends, it's arman khan and you're watching channel art craft and invention. Aaj hum log artist color se ek painting banayenge sirf 6 color use kar kar. Okay, let's go. Coloring karne se pehle sketching kar lijiye. Maine itna halka sketching kiya hai ki wo nazar nahi aayega aap logo ko camera mein. Bahut hi light, waisa hi aap log ka bhi karna hai. क्योंकि कलरिंग करने के बाद पेंसिल लाइंस नहीं दिखनी चाहिए आपके पेंटिंग में. इस पेंटिंग में दो दो ट्रीज हैं राइट एंड लेफ्ट, लेकिन उसकी लीव्स आपको नहीं बनानी है. वो मैं आपको पेंटिंग करने के समय, कलरिंग करने के समय बताऊंगा, दिखाऊंगा. मेसा की तरह वाटर अप्लाई कीजिए आफ्टर दैट कलर. इस बार मैंने स्काई में कुछ डिफरेंट किया. पर्शियन ब्लू और अल्टरमरीन ब्लू को मिक्स कर कर मैंने स्काई में कलर किया है. वो लेक पे हम लोग वाटर ज़्यादा मिलाकर उसमें कोबाल्ट ब्लू यू और पर्शियन ब्लू को मिक्स कर कर पेंट कर लेंगे. यहाँ पे मैंने वीडियो स्किप कर दिया क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैंने सैप ग्रीन को वाटर के साथ मिक्स कर कर वहाँ पे पेंट किया. इसके बाद आप रेड ब्राउन में सादा वाटर मिलाकर जैसा मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में, वैसा ही आपको भी करना है. अब जैसा देख सकते हैं यहाँ पे फिर से साइप ग्रीन, उसके बाद फिर से चॉकलेट ब्राउन में ब्लैक कलर मिलाकर उसे डार्क कर कर मैंने वहाँ पे सेट किया है वाटर के साथ मिक्स कर कर. फिर से उस पर ग्रीन मैंने पेंट कर कर मिक्स कर दिया है वाटर के साथ. माउंटेन में डार्क पेंट करने के लिए पर्शियन ब्लू के साथ ब्लैक और ज़्यादा सैप ग्रीन मिलाकर उसे माउंटेन पे कीजिए और उसे वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए और लाइट एंड शेड का कॉम्बिनेशन फॉर्म कर दीजिए उस माउंटेन पे. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. वैसा ही छोटे वाले माउंटेन में भी कलर करना है हमें. आफ्टर दैट उस बड़े वाले माउंटेन में ब्लू और सैप ग्रीन को मिलाकर उसे और ज़्यादा डार्क बनाना है. यहाँ पे भी सैप ग्रीन के साथ ब्लू को मिक्स कर कर पेंट कीजिए उस लैंड में. अब ब्लू में थोड़ा सा ग्रीन मिलाकर और पानी उसमें ना ही मिलाइए तो ठीक रहेगा, और यहाँ पे डार्क कर दीजिए उसे. आज मैंने आप लोगों को कोई जोक नहीं सुनाया, तो सुनिए. एक आदमी दिन में टॉर्च लेकर कहीं जा रहा था, तो दूसरे आदमी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं थिएटर फिल्म देखने जा रहा हूँ. तो फिर उसने रिप्लाई में बोला, तो टॉर्च लेकर तुम थिएटर क्यों जा रहे हो? बोला, भैया वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, मैं फिल्म कैसे देखूँगा? अगेन सैप ग्रीन में ज़्यादा ब्लू मिलाकर, पर्शियन ब्लू मिलाकर उसे बुशेस में कीजिए.
अभी यहाँ पे सैप ग्रीन में ज़्यादा पर्शियन ब्लू मिलाकर पेंट कर ट्री बनाना है, लेकिन ब्रश आपका टेढ़ा होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। From up here, the world seems small. अभी जैसा आपने देखा सैप ग्रीन के साथ ज्यादा पर्शियन ब्लू मिलाकर ट्री को लाइट एंड शेड के फॉर्मेशन में ढाल देना। वैसा ही कलर बना लीजिए, उसके बाद ब्रश को खड़े रखकर छप 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 कर उसे ट्री पेंट कर लीजिए। अब पर्शियन ब्लू को वाटर के साथ मिक्स कर उसे वाटर पे कीजिए, लेक पे कीजिए। और आपको स्ट्रेट लाइन में ब्रश को चलाना है, तभी इस स्ट्रोक से लहरें बनेगी। फिर उसे वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए। उप्स, अब चॉकलेट ब्राउन में ब्लैक मिक्स कर उसे येलो आकर के लाइन पे मिक्स कर दीजिए। अब मैं वही सब कलर्स बनाऊंगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, बस आप स्ट्रोक्स पे ध्यान दीजिए। ओके, नाउ अभी ब्राउन है हमारा, आफ्टर दैट ब्राउन को वाटर के साथ मिक्स कर दिया मैंने। अब ये डार्क ग्रीन जो मैंने बनाया था वही मैं कर रहा हूँ। Excuse me, this is not green. वहाँ पे चॉकलेट ब्राउन को करना है आपको। अब ब्राउन को ब्लैक के साथ मिलाकर ब्रांचेस पेंट कर लीजिए चारों ट्री के।
ये वाले स्ट्रोक्स में पर्शियन ब्लू के साथ ज़्यादा वाटर नहीं मिलाना है, नहीं तो वो फैल जाएगा। वो लाइन समझ में आना चाहिए, इसलिए कम वाटर मिलाकर हॉरिजॉन्टली स्ट्रोक्स में करना है हमें। वो ये पी नाउ माय पेंटिंग हैज बीन कंप्लीटेड। प्लीज लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड रिंग द बेल आइकन।